अर्जुन रामपाल बॉलीवुड इंडस्ट्री के वन ऑफ द हैंडसम एंड टैलेंटेड एक्टरों में से एक हैं जिनकी फिल्में आ रही हैं काफी दिनों बाद लगातार। जी हाँ दोस्तों, अब 2023-24 में कौन कौन सी इनकी फिल्में आने वाली हैं उन सब की बात करेंगे इसी वीडियो में। जिन्हें जानने के लिए आपको और बार की तरह एक छोटा सा एक काम करना होगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब। अर्जुन रामपाल की फर्स्ट फिल्म होने वाली है मिस्ट्री ऑफ टैटू। मिस्ट्री ऑफ टैटू एक क्राइम थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रही है कलईराज सत्यपा, जिसके लीड रोल में आपको अर्जुन रामपाल, डेजी शाह, रोहित राज, साथ में अमीषा पटेल भी दिखाई देने वाली है। इस फिल्म हाल फिलहाल ट्रेलर आ चुका है जो काफी ज्यादा थ्रिल और क्राइम से भरा हुआ लग रहा है, जहां पर आपको अर्जुन रामपाल एज ए टैटू आर्टिस्ट के रोल में नजर आएंगे। लेकिन एक खतरनाक टैटू आर्टिस्ट होने वाला है ये, जो टैटू तो बनाता है साथ में कुछ और भी कर डालता है। आपको बता दें इस फिल्म को जो रिलीज किया जाना है वो जल्द, यानी कि 1 सितंबर 2023 को रिलीज किया जाना है, यानी कि अभी आने वाली है सिनेमाघरों में। इंसान चाहे जितना भी बड़ा जीनियस हो, जब दिमाग में डर बैठ जाता है तो दिमाग काम नहीं करता। वहीं बात करेंगे अर्जुन रामपाल की नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है क्रैक। क्रैक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं आदित्य दत्त, जिसके लीड रोल में आपको अर्जुन रामपाल, विद्युत जामवाल, जैकलिन फर्नांडिस जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की जो शूटिंग है वो हाल फिलहाल में चल रही है, जो लगभग पूरी तरीके से जल्द ही कंप्लीट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दो इस फिल्म के अंदर आपको अर्जुन रामपाल और विद्युत जामवाल का जबरदस्त क्लैश दिखाई देने वाला है। जिस फिल्म का एक्शन काफी बेहतरीन लेवल का होने वाला है, जिस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं विद्युत जामवाल, यानी कि एक्शन हीरो फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म को बनाया जा रहा है, जिस फिल्म को रिलीज करना है 2023 के लास्ट या 24 की शुरुआत में ही। दोस्तों नेक्स्ट फिल्म होने वाली है निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस, जो कि क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन देने कुश सिन्हा, यानी कि सोनाक्षी सिन्हा के भाई, क्योंकि इस फिल्म के लीड रोल में आपको अर्जुन रामपाल और सोनाक्षी सिन्हा ही लीड रोल में नजर आएंगी, साथ में आपको परेश रावल जैसे कलाकार भी दिखाई देने वाले। इस फिल्म की जो शूटिंग है वो हाल फिलहाल में चल रही है, जहां पर आपको काफी ज्यादा थ्रिल से भरी हुई कहानी देखने को मिलने वाली है। तो इस फिल्म को भी 19 अक्टूबर 2023 को ही रिलीज किया जाना है, लेकिन थोड़ी सी डिले हुई तो 1-2 महीने बाद रिलीज हो जाएगी यार। वहीं बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है भागवनाथ केसरी, जो कि एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे अनिल रवि पुरी, जिसके लीड रोल में आपको नंदा मुरी, बालकृष्णा, अर्जुन रामपाल, श्री लीला जैसे कलाकार नजर आने वाले। और इस फिल्म की जो शूटिंग है वो हाल फिलहाल में जोरों शोरों पर चल रही है, जो लगभग पूरी तरीके से कंप्लीट भी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दो इस फिल्म को काफी बेहतरीन लेवल पर बनाया जा रहा है, क्योंकि ये पैन इंडिया फिल्म होने वाली है जिसे 19 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा 2023 में ही। दोस्तों पता है कानों के बीच में भेजा क्यों रहता है? जब कान भैरी पड़ती है तो बात भेजे में घुसती है। बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है पेंट हाउस। पेंट हाउस एक क्राइम थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं अब्बास मस्तान, जिसके लिए रोल में आपको अर्जुन रामपाल, बॉबी देओल, सरमन जोशी, मौनी रॉय जैसे कलाकार दिखाई देने वाले। और ये फिल्म ऑफिशियली रिमेक होने वाला है द लॉस्ट फिल्म का, जिस फिल्म के अंदर आपको कहानी देखने को मिलने वाली है 5 दोस्तों की और पेंट हाउस की, जहां पर हो गया है मर्डर, उस मर्डर को वो कैसे छुपाते हैं ये सब दिखाया जाएगा इस फिल्म के अंदर, जिस फिल्म की शूटिंग भी लगभग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा 2023 के लास्ट ये 24 की शुरुआत में ही। दोस्तों बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव हिस्टोरिकल एक्शन वॉर ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे रमेश ठेठे, जिसके लीड रोल में आपको अर्जुन रामपाल, दिव्यांका सूर्य वंशी, साथ में सनी लियोनी जैसे कलाकार दिखाई देने वाले। और इस फिल्म के अंदर लगभग 3 शेड्यूल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन भाई साहब जैसे कोरोना की लहर आई इस फिल्म की जो शूटिंग है वो रोक दी गई। लेकिन हाल फिलहाल में इसके जो मेकर है यानी कि प्रोड्यूसर रमेश ठेठे ने कहा है कि फिल्म पूरी तरीके से बनेगी, यानी कि डिब्बा पैक नहीं हुई है, और इस फिल्म को बनाने के लिए वो काफी अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं। तो इस फिल्म की जो शूटिंग है वो 2020 में रुकने के कारण फिल्म को 2022 में रिलीज नहीं किया गया, लेकिन अब इस फिल्म को 2024 में रिलीज किया जाने वाला है। दोस्तों वैसे तो बाहर जाती अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन जब संसाधन ही छीन लिए जाते हैं तो कोई भी विकलांग हो सकता है। बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है थ्री मंकी। थ्री मंकी एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन देंगे अब्बास मस्तान, जिसके लीड रोल में आपको अर्जुन रामपाल, मुस्तफा, विशाल जेठवाल जैसे कलाकार दिखाई देने वाले। और इस फिल्म की जो कहानी है वो आधारित होने वाली है बैंक रॉबरी के ऊपर, यानी कि मनी हाइस्ट का देसी वर्जन आपको यहां देखने को मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म की जो शूटिंग है अक्टूबर 2023 में स्टार्ट होने वाली है, जिस फिल्म को 2024 में रिलीज किया जाएगा सिनेमा घरों में। यार बात करूं अर्जुन रामपाल की एक और फिल्म जिसे आप अनकन्फर्म समझ सकते हो, जो आपको इन फ्यूचर दिखाई दे सकती है, जिसका नाम है मुगल रोड, जो कि एक पीरियड ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसके लीड रोल में आपको अर्जुन रामपाल, मनोज बाजपेयी, भुवन ईरानी जैसे कलाकार दिखाई देने वाले, जहां पर आपको कहानी देखने को मिलने वाली है मुगल रोड के खिलाफ प्रदर्शन की और क्या क्या हुआ था इस मुगल रोड को लेकर, वो सब देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर, जिस फिल्म की शूटिंग लगभग 2024 में स्टार्ट होगी। अगर हुई इन फ्यूचर तो फिल्म 2025 में ही आपको देखने को मिल पाएगी। तो यही थी अर्जुन रामपाल की आने वाली फिल्में जो आ रही है 2023-24 में, जो कि लगातार
आ रही है, आप समझ ही गए होंगे। काफी दिनों बाद वापसी कर रहे हैं तो काफी बड़ी फिल्मों के साथ दोस्तों। तो कौन सी फिल्म के लिए कौन है ज्यादा एक्साइटेड कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।